केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के तहत हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया है और योजना के खिलाफ विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अग्निपथ योजना भारत की सुरक्षा के साथ जहां खिलवाड़ है तो वहीं युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग है। योजना के विरोध में जो आज पूरे राष्ट्रव्यापी यहाँ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, हर विधानसभाओं में प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से एक अग्निवीर योजना युवाओं पर थोपी गई, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर किसी को भी विश्वास में न लेकर के योजना थोपी गई, जो मैं समझता हूँ आने वाले युवा के भविष्य के लिए बहुत ही मतलब एक घातक होगा और इससे जो देश का जो माहौल है वो खराब होगा और जो हमारा युवा जो 4 साल में नौकरी करके वापस आएगा वो कहीं का भी किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। और आज बड़ी शर्मनाक बात है कि जो एक आर्मी जैसी चीज, सेना जैसी चीज़ों में आज उनके बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता इन अग्निवीरों को भविष्य में 4 साल के बाद सिक्योरिटी गार्ड और ऐसी चीजें का एक प्रलोभन दे रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। ऋषिकेश में अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी सत्याग्रह किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेणी घाट पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने रघुवती राघव राजा राम की धुन पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है और ऐसा न होने पर आंदोलन को लगातार जारी रखने की भी बात कही गई है। युवा जो बेरोजगार उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की जो साजिश केंद्र सरकार ने रची है और साथ साथ जो बेचारे हमारे युवा पिछले 2-3 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज वो संविदा भर्ती के लिए उनको जाना पड़ रहा है, मजबूरी पे उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार के पास अपनी योजना बनाने का कोई अच्छा कोई मैप नहीं है। कहाँ से सुनते हैं, किस तरह से बनाते हैं पता नहीं चलता और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही जिस तरह हमारा सत्याग्रह चल रहा है और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक मोदी सरकार अग्निपथ योजना का को वापस नहीं ले लेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में सत्याग्रह किया है। इस दौरान यहां पर स्थानीय विधायक मयूख महर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है, सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है और कांग्रेस विधायक मयूख महर ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लागू कर सरकार जो है वो देश के उन करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय कर रही है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अग्निपथ योजना भारत सरकार ने लागू करी है जो सरासर भारत के युवाओं के साथ अन्याय है और उनके भावनाओं पर कुठारा घात है। आज हर युवा नौकरी पाने के लिए तरस रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं और सबकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सेना से बची थी और सेना में आज वो अवसर भी खत्म कर दिया गया है जिससे आज पूरे भारतवर्ष का युवा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके सामने पूरा अंधकारमय भविष्य हो चुका है। वो सड़कों पर है, आंदोलनरत है, हर युवा आज बेरोजगार और खाली हाथ है। तो हम उन युवाओं के समर्थन में उनको सहयोग और उनको नैतिक मनोबल, उनके नैतिक मनोबल को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस पार्टी इस सत्याग्रह को और लंबा कर सके। खटीमा में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। शहीद स्मारक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी धरने में यहां पर शामिल रहे हैं, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। भारतीय सेना के साथ ये खिलवाड़ हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सत्याग्रह के माध्यम से इसका विरोध कर रही है। हम देश की और देश के युवाओं की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए जो आर्मी की भर्ती और पुराने तर्ज पर हुई है। वहीं चमोली में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अफसरों को सौंपा है, साथ ही अग्निपथ स्कीम को तत्काल वापस लेने की भी यहां पर मांग की है। वहीं चमोली में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कर्णप्रयाग तहसील परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन होगा। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी गौचर कर्णप्रयाग गैरसैंण के तत्वाधान में हमने आज तहसील परिसर में आज
ये सत्याग्रह धरना यहाँ पर हमने प्रारंभ किया है और निश्चित तौर पर जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, चौतरफा विरोध इसका पूरा देश में युवा लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं की भावनाओं को समझ करके, युवाओं की जो पीड़ा है उसको समझ करके अपना समर्थन युवाओं को दे रही है। वही अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश में आज हरिद्वार स्थित संत पंत पार्क देवपुरा में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, यहां पर अग्निपथ योजना का विरोध किया, युवाओं और देशहित के खिलाफ इसे बताया, इसे सरकार से तत्काल वापस लिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। समस्त कांग्रेसी देश भर के सत्याग्रह पर बैठे हैं, ये देश के युवाओं के छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। आज देश जो है एक अलग ही दिशा में जा रहा है और इसको दिशा में पहचानने वाले कुछ चुनिंदा आदमी है। ये जो आज सत्याग्रह किया जा रहा है ये उन लोगों के खिलाफ है जो देश सेवा अपने भाव रखते हैं मन में, सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, आज उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए सेना में लिया जा रहा है। ये देश के साथ मजाक किया जा रहा है, इस देश के युवाओं के साथ।